ओमकारेश्वर में एकात्म धाम के नाम से फेसबुक पर आईडी बनाकर आदिवासी काहर बलाई समाज के विरुद्ध गलत पोस्ट करने के मामले में सभी समाज ने अलग अलग आवेदन देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की शिकायत पर थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी रत्नेश पारासर को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। कोई एकात्म धाम के नाम से फेसबुक पर सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ब्राह्मण समुदाय को भी बदनाम करने के लिए और बलाई समाज और भील समाज के बारे में कुछ गलत कमेंट्स कर रहा था और ओमकारेश्वर में जो बालवाड़ी क्षेत्र है, बालवाड़ी क्षेत्र को उसने वेश्यावृत्ति के नाम से संबोधित किया और कहा गया है कि बालवाड़ी क्षेत्र वेश्यावृत्ति का धंधे में लिप्त है। इस कारण से उस व्यक्ति के खिलाफ आज हम लोग, हमारी भावनाओं को आहत पहुंची, हम सभी लोग ओमकारेश्वर थाने पर आए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की, जिसे पिछले 24 घंटे से भी कम समय में माननीय टीआई साहब ने, ओमकारेश्वर टीआई साहब जो हैं, मानदाता टीआई साहब बिशन साहब, उन्होंने 24 घंटे के अंदर ऐसे उस आरोपी को गिरफ्तार किया है और अपनी कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर रहे हैं, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। और ऐसे अधिकारी हमारे समाज में रहें और हमारी रक्षा के लिए रहें तो कोई भी क्रिमिनल इस तरीके की टिप्पणी भविष्य में नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम ओमकारेश्वर टीआई साहब, माननीय बिशन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आगे से बिशन साहब से सीख लेकर जो आलसी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी उनसे सीख लेकर क्रिमिनलों को जल्द से जल्द पकड़ने की कार्रवाई करें और उन लोगों को सलाखे के पीछे भिजवाने की कोशिश करें। जो हमारे बिशन साहब ने किया है बहुत ही सराहनीय कार्य किया है कि 24 घंटे में ऐसे आरोपी को पकड़ा। आपका परिचय? मैं सोशल एक्टिविस्ट, दिव्यांग, दोनों पैरों से दिव्यांग, अंतिम सिटोले बढ़वा से हूँ। मैं अपनी वाइफ महिला उनको इस बारे में लेके आए कि जो आरोपी पकड़ा है वो बालवाड़ी को बेस्या धाम बोल रहा है, हरिजन समाज को बदनाम कर रहा, भील समाज को बदनाम कर रहा, कहर शहर समाज को बदनाम करते जा रहा है। तो ऐसे आरोपी को पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और उसको फांसी की सजा होना चाहिए। कहला कि आज किसी की बहन बेटी तरफ नज़र उठा के नहीं देखे और किसी के बारे में गलत नहीं देखे। ये चाहती हूँ कि इसका जुलूस निकाला जाए और पुलिस को भी धन्यवाद और मीडिया वाले को भी धन्यवाद। मेरा नाम सदैव भाई है। सर, सोशल मीडिया पर जो कल भ्रांतियां चल रही थी और वो आरोपियों को क्या गिरफ्तार कर लिया, क्या है पूरा मामला? आजकल हमारे यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा एक अपराध की सूचना यहाँ पर करवाई गई थी, जिसमें भील समाज और कहार समाज और अन्य समाज के लोगों द्वारा एक आवेदन के साथ शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा एक अज्ञात फेसबुक आईडी बना करके और कुछ अनर्गल बातें उस पर लिखी हुई, जिस पर हमारे द्वारा तत्काल ही 188-505-2-507 IPC का अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। इसके साथ ही आज बलाई समाज के जो है कुछ लोग हमारे यहाँ थाने पर उपस्थित आए, जिन्होंने बताया कि ओमकारेश्वर निवासी किसी पंडित रत्नेश पारासर द्वारा जो है उनके समाज के विरुद्ध भी जो है गलत अपशब्दों का इस्तेमाल किया है फेसबुक आईडी पर। इन दोनों ही मामलों में अपराध पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पाया गया कि स्थानीय निवासी रत्नेश पारासर जो है इसके द्वारा ही जो है एक फर्जी आईडी और स्वयं की आईडी से ये पोस्ट किया गया था। दोनों अपराधों में हमने आरोपी की जो भी कानूनी पकड़ी है उसको किया है और आरोपी को जैसा भी विधिवत होगा कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। कुछ समाज की महिलाएं भी आई थी? जी बिल्कुल, बालवाड़ी क्षेत्र की हमारी कुछ माता बहनें थाने पर आई थी, जिनके बारे में यही मांग की थी कि आरोपी जिसने इस प्रकार से कृत्य किया है, गलत शब्द